प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की धन्यवाद। आज सुबह के समय फिर एक बार परमेश्वर के वचन के साथ मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से हमें जीवित रख के चलवा रहे हैं। आज भी हम जीवित हैं, वो परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह है। उस हिस्से के हाथ से हम जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायक मन बना रहे। आज के मनन के लिए पहली कुरिंतिया की किताब उसकी 10वीं अध्याय उसकी 32वां वचन, द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 10 वर्स 32, पहले कोरिंतिया 10 की 32वां वचन। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर के वचन से कलीसिया कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूँ। तो कितने दिन से कलीसिया का विषय प्रचार करना चाहता हूँ, तो कलीसिया क्या है वो चीज़ के बारे में आज से हम मनन करेंगे। तो बाइबल के सिस्टम के हिसाब से जो डिवीज़न है, तीन प्रकार की डिवीज़न है। एक यहूदिया, दूसरा यूनानिया और नहीं तो विजातियाँ, तीसरी जो है कलीसिया। ये तीन सेपरेशन बाइबल बताती है। एक यहूदिया, दूसरा यूनानिया, यूनानिया मतलब जेंटाइल्स नहीं तो जो यहूदी नहीं है, अन्य जाति, तीसरी वाली कलीसिया। तो इस तीन ऑर्डर से ही परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर जब मनुष्य को देखते हैं, इस तीन झुंड के हिसाब से ही परमेश्वर मनुष्य को देखते हैं। इसलिए इस तीनों झुंड में हम किस झुंड में हैं? अगर यहूदी है तो वो यहूदी के हिसाब से परमेश्वर देखते हैं, अगर अन्य जाति है उसे अन्य जाति के हिसाब से देखते हैं, अगर वो कलीसिया का योगदान में है तो कलीसिया के हिसाब से परमेश्वर देखते हैं। तो बाइबल का सिस्टम में ये तीन ऑर्डर है, हम लोग देख सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे बताई गई है 10 का 32 में, 10 का 32, बस नंबर 1, यहूदिया। यहूदिया कौन है? जो कि यहूदी के यहूदी नेशन से आए हुए हैं, नहीं तो अब्राहम के संतान, नहीं तो उनका जन्म, उनका जीवन चरित्र, उनका भाषा भाषा विवरण सब कुछ यहूदी पश्चातल से आया हुआ, नहीं तो अब्राहम के संतान के द्वारा आया हुआ जुन, ठीक है? तो यहूदी, उनको यहूदी कहा जाता है। तो यहूदियों का क्या बोलते हैं, जातीय नाम इसराइल कहा जाता है। यहूदियों का जो जातीय नाम इसराइल है, और उनका भाषा हिब्रू, हिब्रू हिब्रू है उनका भाषा। हिब्रू भाषा में उनकी बातचीत, लिखावट, बोलावट सब कुछ हिब्रू भाषा में। तो उनका देश का नाम इसराइल बना। तो एक व्यक्ति को इसराइल कब कहते हैं? जब उसका पूर्वज, नहीं तो उसके पिता, नहीं तो उसके पूर्वज जो कोई भी है वो इसराइली होना चाहिए, वो यहूदी होना चाहिए, तो ही उस व्यक्ति को यहूदी हम कह सकते हैं। अगर एक यहूदी को हम पूछेंगे, यहूदी तुम यहूदी हो क्या, तो पहला चीज वो अपने परिवार के बारे में बोलेगा, दूसरा वो अपने जाति के बारे में, अपना ट्राइब के बारे में बोलेगा। तो इस हिस्सा को देखने पर ही हम लोग बोल सकते हैं एक व्यक्ति यहूदी है या नहीं, ठीक है ना? तो पहली सिस्टम वो चली गई। दूसरी वाली बता 32वां वचन में क्या, यहूदी यूनानी, यूनानी ग्रीक्स, ये ग्रीक्स का मतलब क्या है? जो यहूदी नहीं है, यहूदियों को छोड़कर जो कोई भी है वो सबको ग्रीक्स कहा जाता है, यूनानियों कहा जाता है। तो हम लोग सब यूनानियों के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम अन्य जाति हैं, विजाति हैं, नहीं तो यहूदियों से हमारा कोई लेन देन नहीं, हमारा पूर्वज कोई भी यहूदी नहीं है, नहीं तो हमारा इसराइल से कोई वास्ता नहीं, नहीं तो हमें हिब्रू भाषा के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। इसीलिए हम कौन है? यूनानी है। हम कौन है? अन्य जाति है। तो हम अन्य जाति होने के बाद द्वारा हमारा देश भी अन्य है, हमारा भाषा भी अन्य है, हमारा जीवन शैली भी अन्य है, सब कुछ यहूदियों से अलग है। यहूदियों का आराधना रीति रिवाजों से हम अलग है, इसीलिए हमें विजाति कहा जाता है, जेंटाइल्स, समझ रहे हो ना? नहीं तो
जो यूनानियों का जो शब्द है उसकी अर्थ क्या मतलब, एक कॉलोनी, एक सेपरेशन, मतलब यहूदियों से अलग, इसराइलियों से अलग, इब्राहियों से अलग, जो अपना एक हिस्सा बनाकर, अपना एक जीवन चरित्र बनाकर, अपना एक भाषा बनाकर, अपना एक रीति रिवाज बनाकर जीने वाले लोगों को यूनानी कहकर बताया गया। और एक यूनानी कभी भी यहूदी नहीं बन सकता। हेलो, एक यूनानी कभी भी यहूदी नहीं बन सकता। तो उनकी भाषा, जीवन चरित्र और उनकी जो कुछ भी है वो सब कुछ यहूदियों से अलग है। इसके लिए, इसीलिए यूनानियों का आराधना, यूनानियों का परमेश्वर, यूनानियों का सब कुछ यहूदियों से बहुत अलग रखता है। इसलिए हम लोग यूनानियों के कैटेगरी में आते हैं, जेंटाइल्स के कैटेगरी में आते हैं। तीसरी वाली जो बताया गया उसके 32वां वचन में क्या है, परमेश्वर की कलीसिया है ना, परमेश्वर की कलीसिया। हाँ देखा ना, परमेश्वर की कलीसिया। कलीसिया किसकी? परमेश्वर। तो ये तो कलीसिया में योगदान विजाति को भी मिल सकता है, यहूदी को भी मिल सकता है। वो सिस्टम यीशु मसीह के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह के जन्म होने के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह के उद्धारी के द्वारा वो एक श्रेष्ठता मिला। क्या? यहूदी और विजाति, नहीं तो ग्रीक, दोनों एक जगह मिल सके, एक परिवार में आ सके। उस रीति परमेश्वर क्या किया, सिस्टम को बदल दिए। समझ रहे ना? तो जो यीशु मसीह, जो पुरातन नियम की व्यवस्थाओं में हम लोग देखते हैं तो पहले यहूदी का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, ज्यूस अब्राहम को परमेश्वर बुलाते हैं, नहीं तो इसराइल को परमेश्वर क्या करते हैं, एक देश के समान बनाते हैं। तो पहली चर्या क्या है, यहूदियों के हिसाब से आता है। अब यहूदियों की चर्या से कहां की आती है, विजातियों के निकट आता है। इसीलिए जब मिस्र देश से इसराइलियों को परमेश्वर जब अलग कर दिए, तब क्या हुआ जाते हैं ना, कितने विजाती लोग भी उनके साथ मिल गए, अन्य जाति के लोग भी, मिक्सड ब्रीड बोलते हैं, वो लोग भी क्या किए, इसराइलियों के साथ मिलकर ऐगुप्त देश से, इसराइल इजिप्ट से वो लोग क्या किए, परमेश्वर के वचन के हिसाब से लाए। तो हमें एक चीज मालूम करना चाहिए, परमेश्वर के प्लानिंग में परमेश्वर सब कुछ अच्छी तरीके से सोच के रखे हैं, वो सोच के हिसाब से सब कुछ अच्छी तरीके से चलेगा। इसीलिए जो यहूदी थे उनको परमेश्वर अलग करके विजातियों के निकट आने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म होने पर, नहीं तो यीशु मसीह की उद्धारी के रास्ते के द्वारा विजाति स्वजाति सब मिलकर एक कलीसिया में योगदान पाए, वही है परमेश्वर की श्रेष्ठता। अगर यीशु मसीह यहूदियों को बचाने के लिए आते तो अन्य जातियों का परिस्थिति क्या होता था, विनष्ट हो जाता। तो ज्यादा तरीके से अगर देखते हैं तो यीशु मसीह की जो जन्म है, नहीं तो यीशु मसीह की जो रास्ता, जो उद्धारी की जो रास्ता थी, वो इसराइलियों के करीब से लेके ला गया ताकि वो सबको आ सके, विजातियों, ग्रीकों, सब भाषा के लोगों क्या कर सके, यीशु मसीह के साथ रिश्ता कर सके। उस रीति से परमेश्वर क्या किए, कलीसिया की उद्घाटन किए, नहीं तो कलीसिया की शुरुआत की है। तो यहां पे बताया गया कलीसिया किसकी है, कलीसिया परमेश्वर की है, चर्च ऑफ गॉड, इंग्लिश में उसको कहता है चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर की कलीसिया। तो परमेश्वर की कलीसिया में यहूदी भी आ सकते हैं, विजाति भी आ सकते हैं, स्वजाति भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। सब किसी को कलीसिया के अंदर योग्यता पाए हुई हिसाब से यीशु मसीह ने अपना इकलौता संतान यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह को भेजने के कारण के द्वारा मुक्ति की रास्ता हमारे लिए खुलने के द्वारा स्वजाति विजाति सब एक जगह, एक झुंड में, एक टोकरी के अंदर, एक जाल के अंदर आए हिसाब से परमेश्वर बदल दिए। तो यीशु मसीह की जो उद्धार की रास्ता है केवल इसराइलियों के लिए नहीं, समस्त जातियों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। तो हमें कलीसिया
कलीसिया के बारे में बहुत गुरुत्व रीति से पढ़ना चाहिए। तो कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति योगदान पाते वक्त उसका जाति, धर्म, आराधना शैली सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ वो व्यक्ति छोड़ने के बाद कलीसिया के साथ, कलीसिया के अंदर योगदान पाता है। लो, समझ रहे हो ना? तो क्या करना चाहिए? जो पुरानी रिवाज है, पुरानी जो आराधना शैली, जो पुराने जीवन की अनुभव थी, वो सब कुछ को छोड़कर यीशु मसीह को ग्रहण करके कलीसिया में योगदान पाना, वो है परमेश्वर की कलीसिया। तो कलीसिया को पुरातन नियम में एकलीसिया के नाम से बताया गया। एकलीसिया, एकलीसिया की जो पद उसको यूज किया गया है, वो एक ग्रीक वर्ड एकलीसिया। एकलीसिया की जो शब्द है वो बाइबल में कम से कम 117 बार लिखा गया है नए नियम में, ठीक है ना? तो अभी हम लोग देखेंगे जो चर्च ऑफ गॉड है, जो कलीसिया है, कलीसिया को भिन्न भिन्न तरीके से बुलवाया गया है बाइबल में। एक तो कलीसिया, दूसरी अगर देखते हैं योवेल की किताब पहली अध्याय उसकी 14वीं वचन, योवेल की किताब पहली अध्याय उसकी 14वीं वचन, द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 1 वर्स 14। हाँ देखो, नहीं, सेकंड वाली पद कलीसिया को क्या बताया गया? महासभा, महासभा। देखिए ना वहां पे एक पद, एक वर्ड, उसको असेंबली कहते हैं इंग्लिश में। ये पुरातन नियम की एक शब्द है असेंबली। असेंबली मतलब क्या है? एक मीटिंग, एक कंपनी, एक ग्रुप, एक ग्रुप मिल के ना। तो यहां पे बताया गया अनुभव में ये लोग क्या काय के लिए? उपवास के लिए, नहीं तो परमेश्वर के निकट रोने के लिए एक झुंड बनकर आए। तो एक कलीसिया बोलते हैं, दूसरी असेंबली बोलते हैं। अभी उसकी दूसरी अध्याय 16वें वचन पढ़ के देखो, दो का 16। सभा, सभा कॉन्ग्रीगेशन, तीसरी वाली शब्द क्या है? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या है? यहां पे बताया गया अनुभव में लोग काय के लिए मिल रहे हैं? ये यहां पे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबको ही है ना 16वें वचन में। मगर जो दूसरी अध्याय 14वीं वचन में, सब नहीं, खाली एल्डर्स हैं। जब कॉन्ग्रीगेशन आती है उसमें सब मिलके आते हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, छोटे, नन्हे, सब। असेंबली जो है उसमें वैसे नहीं, असेंबली में कौन? खाली जो मुख्य लोग हैं, एल्डर्स, मेन चर्च के मेंबर्स, वो लोग की गैदरिंग है। कॉन्ग्रीगेशन क्या है? सबकी मिलाप, पूरी झुंड का मिला। किस उद्देश्य के लिए? कुछ मकसद है क्या? यहां पे बताया गया अनुभव में उनकी मकसद क्या है? जंदर बुराई से अलग होने के लिए, नहीं तो एक युद्ध के लिए, नहीं तो एक क्या करते हैं, एक आराधना की अनुभव के लिए, नहीं तो विदोषियों के निकट से उद्धारी पाने के लिए एक मिलाव। जब योवेल की किताब लिखा गया है तब इसराइली लोग कहां थे? अन्य देश में विदेशी बनकर जीवन यापन करते थे, तो उनको रिहाई नहीं मिलती थी। तो उनको रिहाई मिलने के लिए ये लोग एक कॉन्ग्रीगेशन बनना शुरू की और परमेश्वर के निकट उपवास, प्रार्थना, निवेदन करना शुरू किए, ताकि उनको वहां से क्या मिले? रिहाई मिले। हेलो, समझ रहे हो ना? तो कॉन्ग्रीगेशन की मतलब क्या बनती है? एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बनकर उद्धारी के लिए प्रस्तुत होना, मुक्ति के लिए प्रस्तुत होना, युद्ध के लिए प्रस्तुत होना, नहीं तो एक आराधना की रिवाज के लिए तैयार बनना, उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। अब भजन संगीता 68 की 26 पढ़ते हैं, द बुक ऑफ सैम्स 68 वर्स 26।
पे जो बताया गया है उसको कॉयर कॉन्ग्रेगेशन बोल सकते हैं। भजन संहिता जो है वो गाना है, और इधर 68 की 26 में भी बताया गया है परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। तो ये कॉन्ग्रीगेशन काय के लिए, ये असेंबली काय के लिए, गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। समझ रहे हो ना? ओके। और पांचवी वाला प्रेरितों का किताब 7वां अध्याय उसकी 38, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 38। थैंक यू जीसस। बस 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 काफी है। जंगल में कलीसिया, कहां में कलीसिया? जंगल में। पहले वाले हमने सुना परमेश्वर की कलीसिया, दूसरी वाली हमने सुना असेंबली, तीसरी वाली हमने सुना कॉन्ग्रीगेशन, चौथवी वाली हमने सुना क्या गाने की कॉयर कॉन्ग्रीगेशन, पांचवी वाला हमने क्या सुना? जंगल का कलीसिया। ये कहां? ये इसराइलियों के बारे में बताया गया है। कब? जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इसराइलियों को छुटकारा देने के बाद ये लोग कहां पे आके पहुंच गए? जंगल में आके पहुंच गए। वो एक कॉन्ग्रीगेशन बने, वो एक ग्रुप बने, वो एक असेंबली बने। हाँ, फरो से मूसा को परमेश्वर क्या इंफॉर्मेशन दिए थे कि हम लोग 3 दूरी के रास्ता जाकर परमेश्वर को आराधना करेंगे, ठीक है ना? वो परमेश्वर की मकसद थी। तो परमेश्वर हमें कॉन्ग्रीगेशन क्यों बनाए, परमेश्वर हमें कलीसिया क्यों बनाए, परमेश्वर हमें बाहर क्यों निकाले? ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, ताकि हम परमेश्वर की उद्धारी को महसूस कर सके, ताकि हम परमेश्वर के साथ जीवन को चला सके। जैसे इसराइलियों को परमेश्वर अलग किए और एक कलीसिया बनाए, वैसे परमेश्वर आज यहूदियों को, विजातियों को, सभीयों को एक कलीसिया के अंदर, एक घर के अंदर, एक आराधना के अंदर, एक उद्धारी के अंदर, एक आत्मा के अंदर, एक बपतिस्मा के अंदर, एक व्यवस्था के अंदर, एक वचन के सामर्थ्य के अंदर रखना चाहते हैं। वो है परमेश्वर की मकसद। तो कलीसिया कभी भी भिन्नता नहीं दिखा सकती। गोरों का कलीसिया, कालों का कलीसिया और लाल वालों की कलीसिया, जाति जाति के नाम पे कले ऐसा नहीं कर सकते। कलीसिया जो चीज़ है वो सब कुछ की मिलन होनी चाहिए, सब कुछ की झुंड होना चाहिए, सब प्रकार के लोग एक कलीसिया के अंदर योगदान पाना चाहिए। वही है परमेश्वर की कलीसिया। इसीलिए कुरिंथियों के किताब में लिखा गया, कलीसिया के अंदर जब भिन्नता आया तब पत्रस के पौलुस क्या करते हैं, उस भिन्नता को तोड़ने के हिसाब से वचन देकर कलीसिया को मिलवाने की कोशिश करते हैं। मैं अपोलोस का हूँ, मैं पत्रस का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं इसका हूँ बोलकर ये लोग क्या करना शुरू किए, सेपरेशन करना शुरू किए। उस सेपरेशन को परमेश्वर क्या करना चाहिए, पौलुस क्या करना चाहिए, मिलाना शुरू किए। वही उतना ही नहीं, यीशु मसीह जब अपने चेलों के, जब यीशु मसीह के जो चेले यूहन्ना और याकूब, वो अपने मन के अंदर सोचे कि यीशु मसीह का दाएं बाएं बैठना चाहते हैं, और वो कलीसिया, वो चेलों के बीच में भिन्नता जब लाए, परमेश्वर उस भिन्नता को क्या किए, तोड़ने की कोशिश की। हेलो, कलीसिया के अंदर भिन्नता आ सकता है, मगर वचन जानने वाले व्यक्ति लोग उसको क्या करना चाहिए, उसको तोड़कर फिर से कलीसिया को मिलवानी चाहिए। वो एक कॉन्ग्रीगेशन बनना चाहिए, वो एक असेंबली बनना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, एक चर्च बनना चाहिए, वो एक एक यूनियन बनकर क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। वो है कलीसिया के बारे में परमेश्वर सोचने वाली हिस्सा, ठीक है ना? अब नया नियम के हिसाब से कलीसिया को कितने नाम दिया गया है देखें। प्रेरितों का किताब उसके 19वां अध्याय उसकी 41, एक्ट्स 1941। हाँ, बस उतना ही है। उसके 40 से पढ़ो, माफ करो, 40 से, हिंदी में 14।
देखा ना, ये कॉन्ग्रीगेशन क्या है? एक कॉन्ग्रीगेशन के बारे में बताया गया है, हाँ या ना? उसके 40वां वचन फिर एक बार। हाँ देखा ना, ये क्यों कलीसिया, ये क्यों एक झुंड बने? ताकि वहां पे कुछ रिस्क हुआ, नहीं तो वहां पे कुछ समस्या आई, उस समस्या की सुझाव के लिए, सलाह के लिए ये लोग मिलके हैं, रेगुलर गैदरिंग है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने से ये लोग मिलके आते हैं, मगर ये कभी कलीसिया नहीं बन सकती। कलीसिया प्रॉब्लम आने पर नहीं मिलती, कलीसिया एनी टाइम मिलती है, क्योंकि कलीसिया मिलने के कारण क्या है? कलीसिया परमेश्वर की है, तो परमेश्वर की है तो अपॉर्चुनिटी सीख करके आके मिलना नहीं। तो कलीसिया में ऐसे लोग हैं जरूरत पर परमेश्वर के निकट आने वाले हैं या ना? कुछ ना कुछ तकलीफ, रोग, समस्या, कुछ ना कुछ आने से कलीसिया में आ जाएंगे, उनको हम कभी भी कलीसिया नहीं बोल सकते, अपने जरूरत पूरा करने के लिए लोग आते। तो यहां पे बताया गया अनुभव में, पहली वाले वचन में क्या बताया, उसके 40-41 में बताया गया, ये लोग रेगुलरली मिलके आते हैं। कब? जब कुछ लोगों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तब मिलके आते हैं। नेक्स्ट उसके 19वां अध्याय उसकी 39, ये है लीगल असेंबली। नियत है ना, नियत, नियत सभा, लीगल असेंबली। ये लोग परमेश्वर के वचन से नहीं रुके हैं, ये परमेश्वर की कलीसिया नहीं है, ये लोग लीगल इश्यूज डिस्कस करने के लिए है ना। अभी उनका नाम क्या है, मैं भूल गया, बी आर अंबेडकर, उनका यूनियन है, वो लोग क्या लीगल चीजों के बारे में टॉक करते हैं, है ना? तो ये कलीसिया नहीं बन सकती, क्योंकि ये परमेश्वर के ऊपर आधारित नहीं है, वचन के ऊपर आधारित, ये लीगल इश्यूज के बारे में टॉक करते हैं। तीसरी वाली प्रेरितों का किताब सर्त का 38, प्रेरित एक्ट्स 7:38, तो ये भी कलीसिया नहीं बोल सकते, ये भी कलीसिया है बोलकर नहीं बोल सकते, मगर कलीसिया का एक पिक्चर है, मगर कलीसिया नहीं है। हेलो, कलीसिया का एक पिक्चर है, क्यों? कलीसिया का प्रारंभ यीशु मसीह से ही होना चाहिए, तो उनको एक पिक्चर दिया गया, एक ग्लांस दिखाया गया, एक रहस्य की रीति से रखा गया है। तो जो इसराइलियों को जो कलीसिया कहा जाता है वो पूरी तरीके से कलीसिया है नहीं, समझ रहे हो? जंगल की जो कलीसिया है, मिलप वाली तंबू में जो मिलके आने वाली जो कलीसिया है, उसको कलीसिया बोलकर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के उद्घाटन के बाद ही कलीसिया का क्या हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है। इसलिए ना कलीसिया के बारे में क्या बोलते हैं, जो शरीर का मस्तक कौन है? यीशु मसीह। जब मस्तक नहीं है तो कलीसिया कहाँ रहेगी, बॉडी कहाँ रहेगी? तो पुराने नियम में जो कलीसिया को बताई गई है वो एक छोटी सी एक पिक्चर के हिसाब से दिखाया गया, वो कलीसिया है ही नहीं। अब मत्ती लिखित सुसमाचार 16:18, अपनी कलीसिया, अपनी मतलब किसकी? परमेश्वर की कलीसिया, वो है, वो बोलने वाला कौन है? यीशु मसीह है। तो कलीसिया किसकी है?
यीशु मसीह है। कलीसिया में किसकी आराधना की जाती है? पर यीशु मसीह की आराधना की जाती है। कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर आधारित कलीसिया है। तो कलीसिया में योगदान कैसे पा सकते हैं? एक व्यक्ति मन फिराव के साथ नया जन्म लेने से कलीसिया में योगदान पा सकता है। बहुत सारे लोग कलीसिया में मिलने के लिए आते हैं, उनका मकसद एक ही दो चीज है, एक स्वर्ग जाना, दूसरी शादी करना, तीसरी परमेश्वर से कुछ ना कुछ पाना। ये तीन मकसद से ही बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, एक स्वर्ग जाने के लिए, दूसरा अच्छा शादी का रिश्ता आने के लिए, तीसरा कुछ ना कुछ मिलने के लिए। तो ऐसे ऐसे चीजों को कलीसिया नहीं बोल सकते। कलीसिया कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि यू शुड बिलोंग टू क्राइस्ट, तुम यीशु मसीह में बिलोंग करना चाहिए। तुम अगर यीशु मसीह में बिलोंग करते हो, तुम उस बिलोंग करने वाले यीशु मसीह को आराधना करना चाहिए। तुम जब यीशु मसीह को आराधना करते हो, उस यीशु मसीह के वचनों को विश्वास करना चाहिए। तुम जब उस यीशु मसीह के विश्वास करते हो, तुम उस यीशु मसीह का मकसद बनता है तुम्हें स्वर्ग की तल तक ले जाना। समझ रहे हो? हम अपने आप कलीसिया बनकर स्वर्ग नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं यह मेरा कलीसिया है, हमारा कलीसिया है। नहीं है, कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है। अगर मेरा कलीसिया जब बोलता हूं, आराधना किसको आ जा रही है? अगर यह समझता कि चर्च है बोलते, आराधना किसको जा रही है? उस संस्था को। तो बाइबल कहती है ना, परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया। यीशु मसीह ही उसके क्या है? शुरुआतकारी है। यीशु मसीह ही उसके क्या है? मस्तक है। यीशु मसीह ही उसका क्या है? महिमा का योग्य। हेलो, समझ रहे हो? क्लियर है ना? ना कुछ डाउट है? ओके, अब कलीसिया को नया नियम में कितने नामीकरण किया गया है? कलीसिया को पहली कुरिंथिया का किताब एक का दूसरा वचन, एक का पहला दूसरा वचन, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 1:1-2। परमेश्वर की उस कलीसिया, गॉड्स चर्च, नहीं तो क्राइस्ट चर्च। तो कलीसिया का प्रारंभ करता परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की अधिकार रहना चाहिए, और उस कलीसिया के जो योग्यवान हैं वो लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर के संत होना चाहिए, परमेश्वर के भक्त होना चाहिए, परमेश्वर को विश्वास करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर को आराधना करने वाला होना चाहिए, उनको परमेश्वर की कलीसिया कहा जाती है। सब परमेश्वर के कलीसिया नहीं हो सकते। यहां पहली कुरिंथी पहली अध्याय दूसरी वचन में किसकी? परमेश्वर की कलीसिया, कुरिंथी की परमेश्वर की कलीसिया, द चर्च विच इज इन कुरिंथी। कुरिंथी के कलीसिया है, वहां के पास्टर जी कोई और है, मगर कलीसिया किसकी है? परमेश्वर के। और कलीसिया के अंदर की जो विश्वासी लोग हैं वो लोग परमेश्वर के विश्वासी हैं, हैं? ठीक है ना? अब गलातियों का किताब पहली अध्याय उसकी 22वां वचन, गलाती एक का, सॉरी 22वां वचन, ये एक है कि बहुवचन है? कलीसिया है, कलीसिया है, कलीसिया मतलब बहुत सारे। तो कलीसिया एक नहीं, बहुत सारे कलीसिया है इस दुनिया में, विविध जगहों में, विविध प्लेस में, विविध क्षेत्र में बहुत सारे कलीसिया है।
तो ये कलीसिया 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 मिलने पर अनेक कलीसिया, ओके, अनेक डिनोमिनेशन नहीं, अनेक विश्वास नहीं, अनेक कलीसिया हैं। क्लियर है ना? अब उसी पहली कुरिंथिया का किताब पहला अध्याय उसके 33वां वचन, चैप्टर 1:33 फर्स्ट कोरिंथियंस, एक ही तैतीसवां वचन, एक मिनट मैं भी देखता है। थैंक यू जीसस, वो वचन मेरे हाथ से निकल गया, तो मैं यहाँ लिखा जो था वो गलती हो, ठीक है। वहां पे बताया गया अनुभव में एक से एक, हाँ छोड़ो, तीसरी वाली जो है वो संतों का कलीसिया, चर्च ऑफ द सेंट्स, वो नाम से बताया गया है। संत कौन है? जो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो पवित्र रीति से अपना जीवन को कटवाता है, नहीं तो परमेश्वर के पवित्रता को आधारित करके जो जीवन यापन करता है उनको संत कहते हैं, है ना? इसलिए नहीं इब्राहियों के किताब में कहा गया है कि विश्वासियों का वो झुंड, वहां पे जो झुंड बताया गया जो बादल बनकर खड़े हैं, कौन है वो लोग? वो सब मरे हुए लोग, आया ना, जो अपना जीवन का चर्या विश्वास के साथ जीवन यापन करके, विश्वास के साथ आधारित रह के, परमेश्वर के वचन के साथ चल के, परमेश्वर से रिश्ता जोड़कर, वो लोग क्या किया, अपना जो हिस्सा थी उस हिस्सा को वो लोग पूरा कर दिए। पूरा करने के बाद वो लोग अपना गेम को एंड करके, अपना जीवनचर्या को एंड करके, वो लोग संत बनकर कलीसिया बने, चर्चेस ऑफ सेंट। क्लियर है? तीन शब्द, एक परमेश्वर की कलीसिया कलीसिया, दूसरी अनेक कलीसिया, तीसरी भक्तों की कलीसिया संतों की कलीसिया, ठीक है ना? अब कलीसिया, कलीसिया के जो विश्वासी हैं, नहीं तो कलीसिया के जो सदस्य हैं, उनको परमेश्वर, उनको बाइबल में कितने नाम बताए हैं उन नाम को हम लोग देखेंगे। प्रेरितों का किताब 5वां अध्याय 14वीं वचन, द बुक एक्ट्स चैप्टर 5:14, बस विश्वास करने वाले उनको क्या बोल सकते हैं? विश्वासी। पहली नाम क्या है? विश्वासी, विश्वास करने वाले, वो है पहली नाम कलीसिया के जो सदस्यों को बुलाया जाता है, विश्वासी। विश्वासी का मतलब क्या है? जो कि अपना जीवन का अनुभव को परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, नहीं तो परमेश्वर के ऊपर कमिट किया है, नहीं तो परमेश्वर की जो विषय जो चीजें बताई गई है वो सत्य है वो माना, नहीं तो जो चीजों को उसने ग्रहण किया है वो उसका कॉन्फिडेंस बना, वो उसका विश्वास बना, वो उसका आधार बना, वो उसका जीवन की चरित्र बना, वो उसका जीवन का केंद्र बना, उसको हम विश्वासी कहते हैं। विश्वास, विश्वास, विश्व मतलब फेथ, वास मतलब लिविंग, मतलब फेथ लिविंग, लिविंग इन फेथ, इज नॉट, क्यों
हम किस सत्य को विश्वास किए? यीशु मसीह बोलकर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के सच्चाई को हम विश्वास किए, परमेश्वर की वचन की उस सत्य को हम विश्वास किए, नहीं तो परमेश्वर को पूरी तरीके से हम विश्वास किए। इसीलिए हमारा विश्वास क्या बनता है? एक जीना बनता है, एक लाइफस्टाइल बनता है। इसीलिए हमें क्या बोलकर बुलाया जाता है? विश्वासी। विश्वासी बोलने पर हमारा भरोसा पूरी तरीके से यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए, सच्चाई के ऊपर होना चाहिए। वो सच्चाई हमें क्या करना चाहिए? आगे की ओर रास्ता लेना चाहिए। इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति विश्वासी बनता है उसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, वचन के ऊपर होना चाहिए, पवित्र आत्मा की गहराई में होना चाहिए, पवित्रता में होना चाहिए। और कोई भी चीज़ उसे क्या नहीं कर सकता? विश्वास वाली चीज़ से उसे हटा नहीं सकता। उस व्यक्ति को विश्वास कहा जाता है, विश्वासी कहा जाता है। अगर तू किसी व्यक्ति को विश्वास से अलग कर दिया जाता तो कभी भी उसको विश्वासी कहा नहीं सकते। इफ यू आर सेपरेटेड फ्रॉम फेथ, इफ यू आर अवे फ्रॉम फेथ, यू आर नो वे कॉल्ड बिलीवर। अगर तेरे अंदर अविश्वास आ जाती है तो तू कभी भी विश्वास नहीं बन सकता, विश्वासी नहीं बन सकता। तुझे अविश्वासी के नाम से बुलाया जाना है। तो हमें कलीसिया के अंदर योग्यदान पाने पर पहली वाली नामीकरण किया गया विश्वासी। विश्वासी का नामीकरण क्यों किया गया? ताकि हमारे अंदर अविश्वास ना आए, हमारे अंदर अल्प विश्वास ना आए, हमारे अंदर विश्वास की कमियां ना आए, ताकि हम विश्वास में आगे 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 बढ़ोतरी पाने के लिए यीशु मसीह हमारा विश्वास का केंद्र बने, यीशु मसीह की हमारा क्रेडिट ऑफ कॉन्फिडेंस बने। इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस नहीं निकलना चाहिए। अगर विश्वासी है, विश्वासी के समान अटल रहना चाहिए। इसीलिए वचन दिया गया है, इसीलिए यीशु मसीह ने रास्ता खुलवाया है, इसीलिए स्वर्ग के लिए दरवाजा खुलवा के रखा है, ताकि हम विश्वासी बनकर लिव कर सके, जीवन चला सके। इसीलिए एक विश्वासी का कन्विक्शन क्या है? एक विश्वासी को क्या चीज बहुत गुरुत्व रीति से आगे दिखवाने की कोशिश करते हैं? एक ही चीज, यीशु मसीह ही उसे कन्विक्ट करवाता है, यीशु मसीह के वचन ही उसे कन्विंस करवाता है कि तू विश्वास कर। वो उसके प्राण शरीर आत्मा के अंदर क्या करता है? एक इंपल्स देता है कि तू यीशु के लिए जीवन यापन कर। हेलो। तो उन विश्वासियों का झुंड को, उन विश्वासियों का गैदरिंग को, उस विश्वासियों का कॉन्ग्रीगेशन को, उन विश्वासियों का केंद्र को एक बार सोच के देखो कैसे रहेगी। एक ईटा अकेले में पड़ने से कुछ फायदा नहीं। अगर वही ईटाएं मिलजुल कर रुक जाएंगे तो वो एक घर बन सकती है। समझ रहे हो? एक विश्वासी अकेले रुकने से कुछ उतना फायदा नहीं, मगर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ मिल बांट के रहने से वो विश्वास, वो कलीसिया कितना बलवान होगा। हेलो। इसीलिए कलीसिया में परमेश्वर पहली नामीकरण जो दिया है वो विश्वासी के नाम में दिया गया है। तो विश्वासी, विश्वासी क्या करना चाहिए? बलवान बनना चाहिए। आज के जमाने में क्या हो गया? कलीसिया में आते हैं मगर क्या नहीं, विश्वास नहीं, नाम विश्वासी नहीं। हेलो। अब विश्वासी की कुछ अच्छी योग्यता है वो थोड़ी देखेंगे। पहली तिमोथी के किताब 4वीं अध्याय उसकी 12वीं वचन, 1 तिमोथी 4:12। हालेलुया। पहली तिमोथियों की किताब 4:12।
हेलो, एग्जाम्पल क्या है विश्वासियों का? यहां पे बताया गया है, कोई तुझे ना देखे, किस तरीके से, घिनौनी तरीके से ना देखे, उस तरीके से अपना जीवन को एक विश्वासी का एग्जाम्पल बनाओ। बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए बिलीवर। विश्वासी को क्या दिखाना चाहिए? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लोग क्यों यूज करते हैं? उदाहरण। क्यों उदाहरण बोलते हैं? ताकि एक सच्चाई का विषय को प्रकट करने के लिए। जब हम एग्जाम्पल बनते हैं तो सच्चाई कौन बनता है? यीशु मसीह बनता है। जब हम उदाहरण बनते हैं, परमेश्वर का वचन सच्चाई बनता है। जब हम एग्जाम्पल बनते हैं, परमेश्वर का राज्य सच्चाई बनता है। तो हमें विश्वासी बोलकर परमेश्वर क्यों बुलाएं? ताकि हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बन सके। हेलो, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऐसी एक चीज है कि लोग उसको देख समझ बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल ऐसी एक चीज है जिसको हम देख बोल समझ सकते हैं। परमेश्वर के बारे में बोलने से किसी को समझ में आना बहुत मुश्किल है, देखना बहुत मुश्किल है, जानना बहुत मुश्किल है। विश्वासी के बारे में बोले तो देखे, समझे और परख भी सकते हैं, बुलवा भी सकते हैं। अगर तू विश्वासी है, तू परमेश्वर के ऊपर आधारित है, तुझे देखने पर ही तेरे अंदर का एग्जाम्पल बाहर दिखाई देना चाहिए। अगर तेरे अंदर एग्जाम्पल बाहर दिखाई नहीं देते तो कभी भी तू एक विश्वासी नहीं बन सकता। इसीलिए पौलुस नियुक्त रीति से बोल रहा है तिमोथी को कि तू विश्वासी है, तू तेरा एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। तू तेरे यवन अवस्था में है, बी एन एग्जाम्पल टू एवरीबॉडी, लेट पीपल सी यू, लोग तुझे देख पाए, तेरे अंदर की जो सफाई है तुझ में से, तेरे परमेश्वर को देखे, तुझ में से तेरी वचन को देखे, तुझ में से परमेश्वर का राज्य देखे, तुझ में से आत्मा की सानिध्य जान सके। तू वो एग्जाम्पल बन ताकि परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन कर। कलीसिया का नहीं तो आजकल का विश्वासियों का पराजय कहां पे हो गया? नो एग्जाम्पल। गाड़ी में लिखेंगे यीशु मसीह उद्धारी करता है, मगर हाथ में रहेगा सिगारेट। मैंने देखा है एक लड़का अपने गाड़ी के पीछे लिखे, जीसस इज द आंसर फॉर एवरी सॉल्यूशन, बड़े बड़े बम्पर्स में लिख के रख दिया है, जीसस इज द आंसर फॉर ऑल सॉल्यूशन। मगर हम आगे ड्राइव करके देखे तो उसके हाथ में सिगारेट है। मैं शौक हो गया है, और ऐसा पकड़ा है कि किसी को दिखाई नहीं दे। कहां गया हमारा एग्जाम्पल? हम इस दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा विश्वास लोग देखना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है, सरसू दाना के हिसाब से विश्वास होने पर इस पहाड़ को हट जाओ बोलने से वो क्या होगा? हट जाएगा। विश्वास के द्वारा इस पेड़ को समुंदर पे जाके गिर बोलने से गिर जाएगा, हाँ या ना? अगर वो व्यक्ति एक विश्वासी है तो उस देश का समस्या एक पहाड़ है। सोचो, अगर तुम एक विश्वासी हो और तुम जिस देश में रहते हो उस देश का समस्या एक पहाड़ है, और तू विश्वासी है, और तू विश्वास के हिसाब से, विश्वास के ऊपर आधारित होकर तू बोल रहा है, हे पहाड़ तू यहां से निकल जा, तो क्या एग्जाम्पल देगा दुनिया को? पहले पहले लोग बोलेंगे पागल हो गया, क्या बोल रही है, पहाड़ कैसे दूर निकल जाएगा, पहाड़ जा पाएगा क्या, पहाड़ को तो कोई उठा भी नहीं सकता, जैसी भी क्या, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो पहाड़ के उठाने वाले, ऐसा कोई मशीन ही नहीं है, ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? मगर विश्वासी अपना बोलती बंद नहीं करेगा, तब तक बोलेगा जब तक वो पहाड़ वहां से निकल ना जाएगा। अगर बोलना शुरू करेगा ना, एक ना दिन, एक ना एक दिन वो पहाड़ वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, टूट जाएगा। तब लोगों को क्या महसूस होगा कि ये व्यक्ति एक विश्वासी है।
इसका विश्वास उस पहाड़ को क्या कर दिया, कुचल तोड़ डाला, नहीं तो उखाड़ फेंक डाला। वो किस चीज पर विश्वास करता था? उसकी जो बोलती है, उस बोलती साधारण नहीं है, उसकी बोलती परमेश्वर की बोलती है। वो है एग्जाम्पल। हेलो, वो है एग्जाम्पल। तू वो गांव में सुसमाचार कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। तू जो विश्वास किया, तू जो विश्वास के साथ बोला, वो तेरे आंखों के सामने संभव हो गया ना, पूरे गांव वाले तेरे सामने आकर बोलेंगे मुझे भी वो यीशु चाहिए, मुझे भी वो वचन का सामर्थ्य चाहिए, मुझे भी वो भरोसा विश्वास मुझे भी चाहिए, मुझे भी विश्वासी बनना है, क्या करूं। वही ना प्रेरितों का किताब दूसरी अध्याय में देख सकते हैं। सुसमाचार सुनते ही लोग पूछना शुरू किए सवाल, हम क्या कर रहे भाइयों। हेलो, मेरा सवाल बनता है ये विजाति लोग कैसे इनका भाई बन गए। हेलो, विश्वासी का तत्व दिखाया। विश्वास का एग्जाम्पल दिखाया। ये लोग क्या कम से कम कितने दिन से, 10-15 दिन से ये लोग बैठे हैं, एक ही रूम में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लोग ये आवाज सुन रहे हैं। ये लोग विश्वास के साथ क्या, किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रेरितों का किताब दूसरी अध्याय, किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पहली अध्याय में यीशु मसीह उनको बोला, तुम जहां पे हो, यरूशलेम में हो, यरूशलेम में ही रुके रहो, पवित्र आत्मा की शक्ति उतरते वक्त तक तुम प्रार्थना में मिल बांट कर रहो। तो उनका एक ही सब्जेक्ट, एक ही प्रार्थना विषय, गिव अस द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को हमें दो, पवित्र आत्मा को हमें दो, एक ही प्रार्थना है। हेलो, इनका क्या प्रार्थना है? आशीष करो, बड़ा करो, ये कुछ नहीं, पवित्र आत्मा हम पे दो, पवित्र आत्मा हमें भरो, पवित्र आत्मा से हमें बनो, हमें गवाही बनना है, हमें बाहर जाना है, हमें सुसमाचार बोलना है, पवित्र आत्मा से हमें भरो। ये एक ही प्रार्थना विषय के साथ पूरा झुंड मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के साथ। पवित्र आत्मा उतरेगा, उतरा हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा की उतरवाई हमारे ऊपर आएगा, 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 बोल बोल कर, बोल बोल कर पवित्र आत्मा की शक्ति उनके ऊपर उतर आ गया। उतर आते ही तब लोग सुनते ही बोल रहे हैं, हे भाइयों, हेलो, एग्जाम्पल, बी एन एग्जाम्पल। विश्वासी हो तो एग्जाम्पल बनो। हेलो, बी एन एग्जाम्पल। तेरे विश्वास एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, तेरा जीवन एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। लेट पीपल सी यू, लोग तुझे देख सके, तेरी बोलती में परमेश्वर को देख सके, तेरी देखने में परमेश्वर को देख सके, तेरी काम में परमेश्वर को देख सके, तेरी जीवन के अनुभव में तेरे विश्वास को देख सके। एक बार हम लोग मिलके एक होटल में गए, खाना खा रहे थे, सब लोग हाथ धोकर आके बैठ गए, टेबल पर बैठ गए, खाना आ गया। खाना आने के बाद सब हाथ बंद, आंख बंद कर दिए, प्रार्थना कर लिए। तुरंत उस होटल का मालिक दौड़ा, क्या बोले, ओ आप लोग पासर जी हैं क्या? हम लोग बोले हाँ। वो आदमी बहुत अच्छी तरीके से उस वेटर को बोला, अरे जो कुछ देना उनको दे, सब कुछ अच्छा कर। और तब तक वो वेटर हमें बहुत उतना अच्छी तरीके से सर्व नहीं कर रहा था। जब उसको मालिक ने बोला, वो अच्छी तरीके से सर्व करना शुरू किया, तो अभी क्या हुआ जानते हो ना, वो होटल में जब भी हम जाते हैं, हम जितने लोगों का संख्या बोलते हैं उसी लोगों का हिसाब से वो पैसा भी लेता है। कोई भेदभाव दिखाता नहीं, वो हमें एक आत्मिक व्यक्ति से रीति के हिसाब से हमें क्या करता है, सोचता है, जानता है, पर रखता है। क्यों? एग्जाम्पल। हमने वहां बैठकर प्रार्थना की। बी एन एग्जाम्पल, सेट ए पैटर्न। और क्या बताया गया है उसकी 2:4-12,
हेलो, क्या क्या तेरी वचन, योर वर्ड, स्पीच, तू क्या बोल रहा है? व्हाट यू आर स्पीकिंग? तेरी बोलती एक एग्जाम्पल होना चाहिए। तू अगर विश्वासी है तो तेरी बोलती, तेरी शब्द, परमेश्वर इस दुनिया का सृष्टि कैसे किए? शब्द के माध्यम से। अरे जो रोशनी हो, बोलते ही रोशनी हो गया। ऐसा है तो तू विश्वासी है। तेरे मुंह से निकलता एक एक शब्द परमेश्वर का शब्द बन सकता है। परमेश्वर का शब्द है। क्यों लोग ये समझते नहीं? हेलो, पावलोस तिमोथी को बोल रहा है, तुम विश्वासी हो, तुम्हारा शब्द, तुम्हारा स्पीच। हेलो, क्या तुम बोलते हो? व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू स्पीक, दैट इज जी गॉड। जो तू बात करता है वही तेरा परमेश्वर है। हम विश्वासी हैं। हमें बात करने के लिए क्या है? विश्वास के आधारित चीजें ही। इसीलिए कभी भी हमारे मुंह में अविश्वास नहीं आनी चाहिए। जकरिया अपने मुंह में विश्वास का वाचा बोलते वक्त, अविश्वास उसके मन में आते वक्त क्या हो गया? उसकी मुंह ताला बन गया, उसके मुंह पे ताला लग गया। क्यों? एक साधारण व्यक्ति आकर नहीं बोला, किसने आकर बोला? परमेश्वर का दूत, मैसेंजर फ्रॉम गॉड। नहीं तो खुद परमेश्वर बोल सकते हैं। अब उस पासवान को क्या बुलाएंगे? विश्वासी, ए विश्वासी, क्या बुलाएंगे? सेवकाई कर रहा है, कलीसिया में सब कुछ किया, मुंह ताला। लो, पहली चीज हम क्या बात कर रहे हैं, दूसरा वाला हमारा कन्वर्सेशन क्या है, हम लोगों से क्या कन्वर्सेशन करते हैं, नहीं तो हमारा हमारा कंडक्ट क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा जीवन का मैनरिज्म क्या है, वो हम लोग भूल रहे हैं। इसलिए पौलुस बता रहा है, तेरा बात अच्छी तरीके से होना चाहिए, तेरा कन्वर्सेशन अच्छा होना चाहिए, तेरा कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। तीसरी वाली प्रेम, ब्रदरली लव। लव, प्रेम दिखना चाहिए। हेलो, उसके बाद क्या बताया गया है? विश्वास, विश्वास, और आखिरी में पवित्रता। हेलो, ये सब निशानी है, ये विश्वासी का निशानी है। ये सब दिखाना जरूरी है। अगर ये दिखाता नहीं है उसको एक विश्वासी कह नहीं पाएंगे। और प्रेरितों का किताब 16वीं अध्याय 31 बताता है, विश्वासी किसको कहते हैं? जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर मानता है, उद्धारकर्ता मानता है, और यीशु मसीह के वचनों के हिसाब से उधारी पाता है, उसे विश्वासी कहते हैं। अगर तू विश्वासी है, तेरे अंदर वो दिखाई देने वाला एग्जाम्पल्स दिखाना चाहिए। वो है पहली नामीकरण कलीसिया का, विश्वासी। आइए अपने आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं, परमेश्वर मुझे विश्वासी बनाओ, मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ, पवित्रता में, कन्वर्सेशन में, कंडक्ट में, बिहेवियर में, लाइफ पैटर्न में, विश्वास में, आत्मा में, कन्वर्सेशन में, जीवन की चर्या में, मैं विश्वासी बनना चाहता हूँ। परमेश्वर के निकट समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से हमने सुना, परमेश्वर हम तेरे विश्वासी बनना चाहते हैं।
हम उद्धारी पाए, हम अपना जीवन को सुरक्षित करना चाहे, हम कलीसिया का एक अच्छे विश्वासी बनने के लिए हमें सहायता दीजिए। सब कुछ को हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं परमेश्वर। जो वचन आज हमने सीखा है वो हम सबके जीवन में कारणदायक बनने के लिए सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।